डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये नेक्स्ट व्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ, तो अभी हम जा रहे हैं खेत की तरफ घूमने। और हाँ, पुराना स्कूल, हनी को भी लेके आ रही हूँ मैं। ये देखो आगे से जा रही हूँ, उसकी मौसी, मेरी मम्मी जा चुकी है। तो मैंने कहा, मम्मी तो मना कर रही थी कि अक्षु के साथ रहे, मैंने कहा नहीं, थोड़ा बच्चों से भी माइंड हट जाएगा, है ना, वहाँ तो मैं ही देखती हूँ। मैंने कहा पापा देख लेंगे थोड़ी देर, और रोएगा तो पापा फ़ोन कर लेंगे, हम आ जाएंगे जल्दी से। तो हनी भी वहाँ पे ऊपर नीचे कर रहा था, वो क्या कहते हैं, सीढ़ियों में। तो मैंने कहा चल तुझे भी घुमा के लेके आते। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी इधर की सुंदर सुंदर वादियाँ। सुबह से मैंने मुंह नहीं धो रखा है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मायके में यही होता है, मन ही नहीं करता है मायके के। मेरा तो रूम पे भी बच्चों के साथ मुंह धोने का भी मन नहीं करता है, बच्चों के साथ ऐसे ही हो जाता है। तो अभी आपको दिखाती हूँ हरा भरा सा हमारा गाँव, गाँव तो नहीं, गाँव के खेत। ये कैसे जा रहा है ठुमक ठुमक करके, ये देखो सुंदर सुंदर वादियाँ, सुंदर सुंदर से पेड़। इधर है हमारे गांव का प्राइमरी स्कूल, और हाँ ये देखो कितना सुंदर सुंदर। ये जो सामने वाली रोड है वो है बद्रीनाथ हाईवे। और कितनी खतरनाक हो रखी है आज रोड की कंडीशन, कल बारिश की वजह से जगह जगह गदेरे नाले आए हैं, ये देख सकते हो आप। और हाँ, लैंडस्लाइड भी हुई थी वहाँ पे। और सुनने में आया यहीं जो सामने आपको टूटा हुआ दिख रहा है, उधर ही कहीं पे एक गाड़ी के ऊपर पत्थर गिरा और एक ड्राइवर ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। तो प्लीज़ बारिश के टाइम पे यात्रा ना करें तो अच्छा है, अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। यात्रा करने के लिए ज़िंदगी पड़ी है, जब बरसात का मौसम ना हो तब अपने घर से बाहर निकलिए, अदरवाइज अपने घर पे रहिए। ये देखो ये देखो यहाँ से दिख रहा मेरा गांव, छोटा सा गांव, 11-12 परिवार इसमें रहते हैं, मतलब फैमिली 11-12 फैमिली है, और दूसरे गांव भी है ऊपर। चलो 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 चलो, ये है पुराना स्कूल, ये टीन सेट है, स्कूल यहाँ पे है। और यहाँ से गांव दिख रहा है, स्कूल में दो आम के पेड़, एक ये है एक ये वाला है, संतरे के पेड़ हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा संतरे लगते हैं, आम भी लगते हैं, लेकिन इतने छोटे छोटे से आम हैं। ये देखो ये है प्राइमरी स्कूल हमारे गांव का, अब यहाँ कोई नहीं पढ़ता है। हाँ ठीक है चलो, यहाँ अब कोई नहीं पढ़ता है। पे लगे हैं छोटे छोटे से आम के पेड़ पे लगे छोटे छोटे से आम, ये देखो पुराना स्कूल। और यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है क्योंकि छोटे बच्चे जितने भी हैं सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, तो ये स्कूल बस खाली रह गया है। इस पे लिखा है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हाँ ये देखो अहिंसा परमो धर्मो, देखो कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें लिखी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। अंदर तो सारे बंद है बेटा। दी है गुड़ाई, मेरे हाथ देख सकते हो आप, मिट्टी मिट्टी, ये देखो पूरे हाथों में। और इसमें बोई थी भिंडी, तो इसमें थोड़ी थोड़ी भिंडी के पौधे हो रखे देख सकते हो आप, कहीं कहीं पे है ही नहीं।
उतनी घास थी इसके ऊपर, और जहाँ जहाँ पे नहीं थी वहाँ वहाँ पे दोबारा से भिंडी के बीज डाले हुए हैं और उसको मिक्स करी है मेरी बहन। और ये देखो हनी, हनी एक जगह पे नहीं रह रहा है, उसको बस इधर से उधर जाना है क्योंकि उधर की तरफ मेरी मम्मी घास काट रही है, और इधर से उधर, उधर से इधर, बस यही है हनी का काम। ये देखो ऊपर पे दिख रहा होगा आपको हनी, हनी जस्ट वहाँ पे एक आंवले का पेड़ है यहाँ पे, ये देखो। तो बस गुड़ाई होगी कम्प्लीट, देखो पैरों में मिट्टी मिट्टी हो गई, और इसके बाद हम भी चलेंगे घर की तरफ। तो ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, और अभी अक्षत को नहला के मैंने उसको सुलाया है। तो अभी अच्छी खासी धूप थी तो मैंने सोचा चलो अब हनी को नहला देती हूँ, उसके बाद मैं नहाऊंगी, और शाम को मम्मी ने रखा हुआ है कीर्तन। तो गांव में मतलब हर हर महीने एक एक फैमिली कीर्तन करवाती है, तो आज है मेरी मम्मी लोगों के घर में कीर्तन। पिछले मंथ करवा रही थी लेकिन मम्मी को पता था कि इस महीने मैं आ रही हूँ, तो मम्मी ने सोचा जब मैं आऊँगी तभी। और अभी कीर्तन शुरू होने वाला है, मम्मी दिया लगा रही है और दिया लग चुके हैं, थोड़ा धूप बत्ती करेंगे उसके बाद कीर्तन शुरू होने वाला है। पापी हरो देवा, लागे में
दे दियो मुड़ी चल मैं पलो को दे दियो ये पावे तो को ये है प्रसाद वो पावे की अम्मी होगा है ए ए ए पावे जरूर जाइए ये फट को ला ले ए बोले छोड़ ये पलो बोलिए मां जी ये पलो इतने दिन को है तो ये प्रसाद दे दे ऐसे पे पंडी ये पास पे पंडी से तुम हो गई अरे दी है प्रसाद लेते हुए मुंह में डालते हुए।